जहां जहां है वहां राह, ये कहावत सच हुई है बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, जहां वेस्ट मैनेजमेंट हो, वाटर सप्लाई हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या फिर सर्वेलांस, सब कुछ स्मार्ट तरीके से कंट्रोल होता है। देखिए खबरें पॉजिटिव। बेंगलुरु में 900 एकड़ में फैली इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 200 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। ऐसे में इस इलाके में वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई और ट्रैफिक जैसी बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने चुनौतियों से पार पाने की ठानी और सब कुछ सिस्टमैटिक और स्मार्ट कर दिया। वो पहले स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट व्हीकल मैनेजमेंट, स्मार्ट सिग्नल मैनेजमेंट, पार्किंग मैनेजमेंट, स्मार्ट सर्वेलेंस एंड स्मार्ट एनवायरमेंटल यू नो पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम। मिसाल के तौर पर कूड़े को ले ले तो कंप्यूटराइज सिस्टम पर अब हर कंपनी से निकलने वाले सूखे कूड़े और गीले कूड़े की जानकारी हासिल होती है, जिसे रिसाइकल करने के साथ ही कंपोस्ट बनाकर धरती को हरा भरा बनाया जा रहा है। तो तकनीक की मदद से ट्रैफिक लाइट सिस्टम, वाटर सप्लाई, सिक्योरिटी सब कुछ वर्ल्ड क्लास बना दिया। लेकिन ये करने की प्रेरणा कैसे मिली वो भी जान लीजिए। 3 बरस पहले ये स्मार्ट सिटी का घोषित हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारा नेम बेंगलोर का नाम नहीं था, इसीलिए हम सोचा हम क्यों स्मार्ट सिटी हमारे तरफ से ही स्टार्ट करें। चंद साल पहले बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जो शुरुआत हुई थी वो ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।